बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग खबरें बहुत जल्दी से देखिए। शुरुआत आम आदमी की जेब पर लगने वाले झटके की खबर से। चार महीने तक लगातार घटने के बाद रिटेल महंगाई दर ने फिर से यू टर्न ले लिया। जून 2023 में रिटेल महंगाई दर 4.81% रही, जबकि उससे ठीक एक महीने पहले यानी मई में यह दर 4.31% थी। मई की दर रिकॉर्ड 25 महीनों के निचले स्तर पर थी। इस बार खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी उछाल की वजह से रिटेल महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है। और अब अगली अहम खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप ने अपने 90% कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम पर लगा दिया है। दुकान नाम के स्टार्टअप से 90% कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद उस स्टार्टअप के फाउंडर लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल स्टार्टअप के फाउंडर सुमित शाह ने कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा कि अब हम काम के लिए आर्टिफिशियल चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका यह नतीजा है कि पहले जिस काम को करने में दो घंटे तेरह मिनट लगते थे, वो अब केवल 3 मिनट 12 सेकंड में पूरा हो रहा है। सुमित शाह के इसी रवैये से सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए और उन्होंने सुमित को संवेदनहीन इंसान करार दिया। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने पद निकाला है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। mazgaondock.in पर 26 जुलाई के पहले पहले इस पर आवेदन किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने पद निकाला है फील्ड असिस्टेंट का। आवेदन किया जा सकता है basil.com पर। आखिरी तारीख है 20 जुलाई। और इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने पद निकाला है असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर का। आवेदन किया जा सकता है ssphpgti.ac.in पर। आखिरी तारीख है 18 जुलाई। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट पर एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये देखिए जरा इन तस्वीरों में, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि वहां हालात क्या थे। विमान ने HAL के रनवे पर लैंड किया, लेकिन उसका अगला लैंडिंग गियर यानी जिसे नोज लैंडिंग गियर भी कहते हैं, वो काम नहीं कर रहा था। बड़ी सूझबूझ से पायलट ने उसे बगैर नोज लैंडिंग गियर के रनवे पर उतारा। फिर कुछ दूरी तक तो वो विमान रनवे पर सीधा दौड़ता रहा, लेकिन आगे चलकर उसका कॉकपिट वाला हिस्सा रनवे से टकरा गया, जिसकी वजह से वो रनवे पर घिसटता हुआ चला गया। हादसे के वक्त विमान में एक पायलट और एक को पायलट सवार था और दोनों पूरी तरह सुरक्षित बच गए इस सूझबूझ की वजह से। अगली अहम खबर फॉक्सकॉन कंपनी से जुड़ी हुई। ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी ने कहा है कि भले ही उसने वेदांता के साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया हो, लेकिन उसने भारत में प्लांट लगाने का अपना फैसला नहीं बदला है। अब वो अकेले ही भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। 3 दिन पहले फॉक्सकॉन ने वेदांता से अपना करार तोड़ दिया था, जिसे भारत के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब फॉक्सकॉन ने अपना रुख साफ कर दिया है। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी। और बाल वैसे तो बड़ी साधारण सी बात समझ में आते हैं, लेकिन अगर झड़ने लगे तो इनका इंपॉर्टेंट समझ में आता है। क्या आप बालों के सफेद होने और झड़ने से परेशान हैं, खासतौर से सफेद होने से? तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि इसको लेकर बर्मिंघम की अलबामा यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होना आम है, लेकिन उम्र से पहले अगर ये सफेद होने लगे तो चिंता की बात। मसलन अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हैं तो आपके 10 से 20% बाल सफेद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से 50 के बीच में है तो 20 से 40% बाल सफेद हो सकते हैं, जबकि 50 से 60 की उम्र में 40 से 60% तक बाल सफेद हो सकते हैं। एक स्टडी में यह बात सामने आई, उम्र के 60 के पास पहुंचते 90% बाल सफेद हो सकते हैं। लिहाजा अगर इस तरीके के पैटर्न में आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो बाल सफेद होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो आंवले का इस्तेमाल करके विटामिन सी से भरपूर जो खाना है वो खाकर, हालांकि ये भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें संतुलन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। असंतुलित खान पान से बचकर, शराब सिगरेट से खुद को दूर रखकर, नियमित जीवन शैली को अपनाकर अपने बालों की हिफाजत आप कर सकते हैं। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं, उससे पहले दिखाता हूं ये ट्रेंडिंग फिक्टिव। सेंसेक्स आज 224 पॉइंट गिरकर 65,934 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 अंक गिरकर 19,384 पर क्लोज हुआ, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के रेट में तेजी देखी गई। गोल्ड 46 रुपए की तेजी के साथ 58,819 रुपए प्रति 10 ग्राम, सिल्वर 163 रुपए चढ़कर 71,280 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर बिकी। गुजरात हाईकोर्ट ने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वालों पर लगाम कसने के लिए सड़कों पर वन वे स्पाइक स्ट्रिप्स लगाने पर विचार के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ गुजरात ट्रैफिक पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी भी जताई।